भैया अरे ये क्या बकचोदी हुई, क्या बोल रहे हैं, बैठे बकचोदी कर यहाँ पे जाम हो रहा है। वीडियो तो आपने देख लिया होगा, CGPDTM जो फुल फॉर्म है वैसे ही बहुत लेंदी है। फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एज वेल एज ट्रेडमार्क। तो ये जो एग्ज़ाम है हमेशा नहीं आता, कभी कभी आता है, और वैकेंसी बहुत अच्छी है। ग्रुप ए ऑफिसर की वैकेंसी है, और इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो 3 सितंबर को हुआ था। वैसे ही कंप्यूटर साइंस की नंबर ऑफ वैकेंसी जो है बहुत कम है। अगर आपने देखा होगा रिसेंटली IBGO का एग्ज़ाम हुआ था और अब तक उसका रिज़ल्ट नहीं आया है। उससे पहले इतने सारे एग्ज़ाम थे जहाँ से वैकेंसी तो हुई थी, ठीक है, एक बच्चों ने एग्ज़ाम भी फिल कर दिया है, और इतने टाइम से अब तक एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है। और आई हैव नो आइडिया वाई कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के साथ ही सबसे ज़्यादा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की पहले तो वैकेंसीज बहुत कम हैं, और अगर एग्ज़ाम होता भी है तो उसके अंदर चीटिंग होती है, या फिर अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो मतलब आपने फॉर्म फिल कर दिया लेकिन अब तक एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है। तो समहाउ कंप्यूटर साइंस के केसेस ऐसे बहुत ज़्यादा है। तो रिसेंटली आपने वीडियो देखा भी होगा, और ये ट्रेंड हो रहा है, ट्विटर पे भी ये ट्रेंड हो रहा है, और बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे न्यूज़ पे आपने इसको देखा भी होगा। तो एक न्यूज़ आई थी फ्रॉम क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको QCI हम लोग यहाँ से बोलते हैं, और वो मेक श्योर करता है कि जो भी आपका एग्ज़ाम हो रहा है उसके अंदर क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था यानी कि 3 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम के अंदर कोई भी स्टूडेंट्स आके इस एग्ज़ाम को दे सकता था। किसी ने चेक ही नहीं किया कि कौन आ रहा है, कौन एग्ज़ाम दे रहा है, कौन एग्ज़ाम नहीं दे रहा। सबसे पहली तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी। दूसरा, वहाँ पर जब स्टूडेंट जब एग्ज़ाम दे रहे थे सभी के पास फ़ोन अवेलेबल थे, और वो चीटिंग कर रहे थे, गूगल से सर्च करके सबका रिजल्ट आंसर वो दे सकते थे, और इसी वजह से ट्विटर पे ये वीडियो जो है वो ट्रेंड भी हो रहा है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया है, और विद इन 72 आवर के अंदर दोबारा से एग्ज़ाम डी शेड्यूल होगा। तो आई हैव नो आइडिया वाई इट हैपन, ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए, और स्टूडेंट्स भी परेशान हैं और टीचर्स भी परेशान हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। और ऐसे मेरे साथ भी पहले एक बार हुआ था, और शायद आई डोंट रिमेंबर दैट ईयर बट 2012 या 2013 में पहली बार मैंने UGC नेट एग्ज़ाम को दिया था, और वहाँ पर भी जो एग्ज़ाम था बहुत सारी चीटिंग वहाँ पर हो रहा था। मतलब बेसिकली एग्ज़ाम जो था पेपर वन का एग्ज़ाम था, और हर कोई वहाँ से मतलब चिट चैट कर करके अपना आंसर वो दे रहे थे, और ऐसे मुझे लगता है कि दिस इज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हर एक स्टूडेंट्स के साथ आप खेल रहे हो, ठीक है। बहुत सारे एग्ज़ाम हैं इंडिया में, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा केस हुआ था उस समय पर भी, और वहाँ पर चलो वीडियो मतलब जो एग्ज़ाम था रीशेड्यूल नहीं हुआ था, ना ही वो कैंसिल हुआ था, बट कैंसिल भी नहीं हुआ था, बट हाँ इट हैपन्ड कि उस साल भी ऐसा हुआ था कि वहाँ पर जो पेपर उनका जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर इतनी किचिंग हो रही थी, इतनी चिटचाट कर रहे थे, इतनी बातें कर रहे थे कि यू नो फिर एग्ज़ाम का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो, मतलब उस सेंटर पे एग्ज़ाम का मतलब ही क्या होता है। तो इट हैपन्ड, और ये कई सारे स्टूडेंट्स के साथ भी हुआ है। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा पहले कभी हुआ है तो आप मुझे अपने चैट पे कमेंट सेक्शन पे आप मुझे बता सकते हैं कि यस आपके साथ ये हुआ था पहले। मेरे साथ तो हुआ है, आई एम नॉट श्योर आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, बट एनीवेज ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें बहुत बुरा लगता है, ठीक है, मुझे भी बुरा लगता है, और टीचर्स को भी बुरा लगता है, स्टूडेंट्स को भी बुरा लगता है, क्योंकि जिसने मेहनत करी है और जिसने एक्चुअल मेहनत करी थी और उसका एग्ज़ाम चीटिंग वाले केसेस में आप जा रहे हैं, तो आई डोंट नो व्हाट टू से, क्या बोलना चाहिए। चलो लेट्स सी क्या किया जा सकता है, क्या होता है, ठीक है, जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय एंड टेक केयर।